तीन। जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। जय हिंद साथियों, स्वागत आपका सार्जेंट डिफेंस एकेडमी। मैं हूं आपका अपना साथी सुनील भारती, एक्स एनसीसी कैडेट। दोस्तों, जो भी साथी यूपी पुलिस तैयारी कर रहा है 5 किलोमीटर, दोस्तों आप लोग रनिंग कर रहे हो, अच्छे से रनिंग कीजिए। लेकिन इसके साथ में कुछ लड़कों ने मुझे कल कॉल किया था और कुछ लड़के मैसेज भी किए थे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा समस्या उनको ये आ रही है रनिंग करते समय कि सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है। तो जिन भी साथी को सांस फूल रहा है, उनके लिए दोस्तों मैं कुछ 3 तरीके बताऊंगा। कभी आप ये फॉलो कर रहे हो तो गारंटी लेता हूं कि दोस्तों आपकी सांस फूलना दूर हो जाएगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि सांस फूलता कैसे है। दोस्तों, जब आप दौड़ रहे होते तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा रिक्वायरमेंट होती शरीर में, ठीक है। जब आप ऑक्सीजन को आप निकाल नहीं पाते, आप ना जैसे बहुत लोग क्या मुंह बंद करके दौड़ते हैं, नाक से ही सांस लेते हैं और नाक से ही निकालते हैं, तो होता क्या है कि आप जब तेज़ रनिंग करते हो तो नाक से ही सांस लिए जा रहे हो और नाक से ही सांस निकालने में दिक्कत हो रही है। तो उससे क्या होता है, फेफड़म बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है, ठीक है। जिस कारण फेफड़म जब ज़्यादा ऑक्सीजन होने के कारण सांस फूल जाता है, बोलते हैं फेफड़म ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी बोलते हैं कि सांस फूलना। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों करना ये है कि आप नाक दौड़ते समय नाक सांस लेना, मुंह से खोलना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब रनिंग करते रहें, ठीक है, तो नाक सांस लेना, मुंह से छोड़ना है। कभी आप इस तरह का आप वहाँ पे दौड़ते समय आप करते हैं तो दोस्तों आपकी जो सांस फूल रही है, नंबर एक पॉइंट में आपको दूर हो जाएगा भाई, नंबर एक। दूसरा, रनिंग करने से पहले आप जरूर सबसे पहले आप वार्म अप कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। कभी आप ये चीज़ें नहीं करोगे दोस्तों, उसका प्रेशर आपके बॉडी में पड़ता है। आप आए ग्राउंड पे और अचानक दौड़ना शुरू कर दिए, जिस कारण भी क्या है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या थकान जैसा फील होगा और सांस वगैरह फूलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आना है ग्राउंड पे, अच्छे से वार्म अप कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज वार्म अप कीजिए, उसके बाद ही आप रनिंग स्टार्ट कीजिएगा। और कभी भी आप अचानक रनिंग को तेज़ी से हाई ऑल्टीट्यूड नहीं ले जाना है। कहने मतलब ये है कि बहुत सारे लड़के गलती क्या करते हैं कि वो शुरू से ही आते हैं और पहले राउंड से खींचना शुरू कर देते हैं, जिस कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। वो भी एक आपके रीज़न है सांस फूलने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में आना है, वार्म अप एक्सरसाइज करना है, इसके बाद आप यहाँ पे धीरे धीरे गति को बढ़ाना है। कभी आप इस तरह करोगे तो आपकी जो सांस है वो चीज़ें फूलेगी नहीं और आपका रिदम तैयार होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट में दोस्तों ये है कि तीसरे पॉइंट में आपको कोशिश करना है कि ज़्यादातर आप कच्चे दाने, यानी जैसे कि आपको अंकुरित वाली चीज़ें, यानी कि आप जितना हो सके चने लीजिए, अंकुरित चने लीजिए, मूँग सोयाबीन का दाना, मूँगफली, किशमिश, गुड़, इन चीज़ों का आप सेवन करें। कभी आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो इसमें इससे भी सांस आपको जो फूल रही उसको दूर होने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। और एक चीज़ मैं और आपके डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, जिन भी लड़कों का अभी 8 दिन 10 दिन या अभी बिगनर है, बिल्कुल नॉर्मल 10 दिन 12 दिन 15 दिन दौड़ते हुए, उनको इसलिए सी बात है दोस्तों कि सांस फूलेगी ही फूलेगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से सब चीज़ें अप्लाई करोगे तो आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी लड़का स्टार्टिंग किया है 10 से 15 दिन 12 दिन 20 दिन 25 दिन इस हिसाब से आपकी सांस फूल सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है तब आपको इस चीज़ों को अप्लाई कीजिए जो मैंने आपको बताया है, निश्चय ही आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगा। यूपी पुलिस में 4800 मीटर रनिंग है, 4800 मीटर है, कितने मिनट में, 25 मिनट में। तो दोस्तों इसमें क्या सांस का ही खेल है, आपका अगर पेस तैयार है, आपका रिदम ही तैयार है तो इसमें आपकी अच्छी खासी रनिंग चढ़ जाएगी। मैं चाहूँगा हमारे साथ कुछ साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपी के लिए, आप आइए, इनसे मैं परिचय कराता हूँ। नज़दीक आई भाई, चलो यूपीपी वाले कौन कौन है, हाथ खड़े कर लेना, हाथ खड़े कर लो भाई, ठीक है। चलिए नॉर्मल, हाँ बताइए अपने बारे में। थोड़ा लाउड बोलिए, आराम से बोलिए, लाउड। सर मेरा नाम ज्योति है, निराला है, मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। 2400 में रहा है, 2400 गर्ल्स के लिए 2400 मीटर, 14 मिनट में, ठीक है जी। बोलिए, तो आपको कितना दिन हुआ यहाँ पे आए? हमको 15 दिन से ज़्यादा हो गया। 15 दिन से ज़्यादा हो गया, तो पहले कितना टाइमिंग आता, तो पहले 18.5 मिनट आता था, अब 15.5 मिनट आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो इनके लिए। तो ज्योति आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि भर्ती निकलेगी? सर उम्मीद तो है, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जी। आपको पैरों में भी इंजरी आ चुकी है? मेरा सिन पेन स्टार्ट है। सिन पेन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ आप बताइए।
मेरा नाम सर वंदना है जी, वंदना दुबे है और मैं भी यूपीपी के लिए ही आई हूँ। और अभी जैसा कि मतलब सबको पता है कि गर्ल्स का 2400 मीटर रनिंग मांगा है 14 मिनट में जी, और मुझे भी आते 10-15 दिन हुआ, लेकिन क्या था कि अभी नवरात्रि था या फिर घर में कुछ फंक्शन वगैरह होने की वजह से मैं मतलब रेगुलर नहीं हो पाई थी जी। और अभी मैं 3-4 दिन से रेगुलर हूँ तो रनिंग में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा है। और जैसा कि वो है 14 मिनट में 2400 है तो मेरा तो अभी आ जा रहा है। आपका मैंने पहला ट्रायल था, दूसरा ट्रायल था सर? फर्स्ट ट्रायल था। ये लड़की ने पहले ही ट्रायल में 14 मिनट 2 सेकंड लगाया भाई, कर दोस्तों इनका वीडियो मैंने 400 मीटर का डाल रखा है। दोस्तों आप भी वीडियो को जरूर देखिएगा, ये लड़की बहुत अच्छा दौड़ रही है, ठीक, बहुत अच्छा इनका हाथ। इवन इन्होंने क्या कि कुछ लड़कों को भी क्रॉस कर दिया, कुछ अपने ग्रुप के लड़के आप क्रॉस कर देती उन्हें, ठीक, 4 किलोमीटर लगातार जी जी। दोस्तों कभी आप भी ऐसी इस तरह जुनून के साथ दौड़िए, निश्चय क्यों नहीं निकलेगी। और ये साइलेंट रही पीछे, ठीक है, इसी तरह मेहनत कीजिए। दौड़ते समय दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या नर्वस होता है, मन करता है कि रहन दो यार, छोड़ दो, नहीं होगा मेरे से। लेकिन जो लड़का या लड़की दिमाग में सोच ले कि नहीं मुझे करना है, मुझे कंप्लीट करना है, कैसे भी करके मुझे दौड़ना है, वही लड़का फौजी होता है, वही निकालता है पिछले। अब समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir! मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, आपका जो वर्कआउट मिले आप उस वर्कआउट को पूरा कंप्लीट करो भाई। अगर आपको बोला जा रहा है 8 राउंड दौड़ो तो पूरे 8 राउंड लगा के दिखाओ, पूरे 8 राउंड लगाओ। एक्स्ट्रा एडवांस चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही में से कई सारे लड़के बीच के लड़के सिलेक्शन लिए यहाँ से। Yes, sir, sir. तो पुराने लड़के हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है। Yes, sir. तो इसलिए एडवांस मत चलो, जितना आपको बोल रहा हूँ पूरा अनुभव वाला तैयारी कराऊँ दोस्तों, ठीक है, लगे रहो, अच्छे से मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी भाई, ठीक है। आगे पीछे सबका सिलेक्शन होगा, लेकिन होगा जरूर सिलेक्शन, बस सत्य आपको नर्वस नहीं होना है, पेशेंस रखना है। अरे समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो ज्योति, ठीक है, नॉर्मल ज्योति, क्या कहना चाहोगे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं लड़के या लड़की, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? नहीं, बॉयज़ का तो देखिए ये है ना कि बॉयज़ खुले ग्राउंड में कहीं भी जाके दौड़ सकते हैं, बट गर्ल्स के लिए दिक्कत क्या आती है कि उनके यहाँ जरूरी नहीं है कि घर में कोई हो। जैसे कि मैं बता दूँ, मेरे घर में सिर्फ मैं अकेली हूँ या फिर मम्मी पापा, तो कोई साथ में ग्राउंड मतलब के आने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके पास फिजिकल एकेडमी हो या फिर हमारी जो भी बहनें नैनी या फिर इलाहाबाद से होंगी, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप आसपास के हो तो खुद पे डिपेंड ना हो कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगता, थोड़ा बहुत ही लगता है, तो आप आके फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करिए। और जैसा कि ये मैं बता दूं, जो सर का चैनल है सर्जेंट फिजिकल एकेडमी, तो आप इस पे आइए, ज्वाइन करिए और अच्छे से अपनी रनिंग कम्प्लीट करिए। मैंने मतलब सीधा सा इन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि देखिए आप जरूरी नहीं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, आप कोशिश करो कि आपके नज़दीक जो भी आपके पास वो भी अगर ग्रुप में दौड़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करो उस ग्रुप में रनिंग कीजिए। ग्रुप में रनिंग करने से आपको अपनी गति पता चलती है, इसके साथ बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी रनिंग वर्कआउट टिप्स पता चलता है, ये पता चलता है कि आप दौड़ते कैसे, किस तरह का रनिंग करना चाहिए ताकि आपके कम समय में अच्छा रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक लगा हो। कभी वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कभी आप भी आना चाह रहे हैं यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस की फिजिकल तैयारी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आइए, ठीक है, तो गारंटी के साथ तैयारी कराऊंगा भाई, ठीक है, आप आइए यहाँ पे, मिलते हैं वीडियो, तब तक खुश रहे, ख्याल रखे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत मातक जय।